बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने आज आदेश दिया है कि महाराष्ट्र से किसी भी तरह से सवारी वाहनों को जिले में प्रवेश न करने दिया जाए। उन्होंने कहा है कि सूचना मिल रही है कि प्रतिबंध के बावजूद भी मजदूर बसों के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं, ये स्थिति बड़वानी जिले के लिए ठीक नहीं है। ऐसे बस संचालकों के खिलाफ धारा 188 और IPC आपदा प्रबंधन के अधिनियम की धारा 151 के तहत FIR करने के साथ उन बसों को जब्त किया जाएगा। बसें तब तक जब्त रखी जाएगी जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा। जिले के कलेक्टर के आदेश के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर बिजासन पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं और तैनात पुलिसकर्मियों का कहना है कि बसों को जिले में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बड़ी बिजासन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। सर, बिजासन चौकी के सामने पॉइंट लगाया गया, सर क्या कारण था? ये मारन बॉर्डर यहाँ पे चेकिंग पॉइंट लगाया गया है। जो भी बसें आ रही है जा रही है उनको यहीं पे ब्लॉक करके वापस रिटर्न कर रहे हैं और ये पूर्णतः ब्लॉक कर दिया गया है बसों के लिए। महाराष्ट्र से आने जाने के लिए पूरा प्रतिबंध है? हाँ, पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। किन किन गाड़ियों को जाने दिया जाएगा सर? केवल जो पास वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके पास अधिकारी का पास है, केवल उन्हीं को जाने दे रहे हैं। छोटी गाड़ियों को, बाकी बड़ी जितनी भी बसें हैं उनको तो पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया है। कोई भी बस इस सीमा से उस सीमा पर नहीं जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।